अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट एंथनी विलियम्स, और आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती रिपोर्टिंग वीडियोस। आप देख रहे हैं पार्ट वन ऑफ द पंजाब एग्रीकल्चर इनकम टैक्स एक्ट 1997। आज हम बात करेंगे कि बेसिकली जो फेडरल इनकम टैक्स है और प्रोविंशियल इनकम टैक्स है उसमें क्या फ़र्क है, और जब आप अपनी एग्रीकल्चर इनकम अपने आयरस में टैक्स रिटर्न में शो करते हैं वहाँ तो वो एग्जेम्प्ट होती है, लेकिन अगर आपके जो प्रोविंस है, यहाँ पंजाब के लॉ की बात हो रही है और पंजाब प्रोविंस की बात हो रही है, तो उस हिसाब से वो टैक्सेबल होगी। तो इनकम टैक्स सिर्फ जब हम कहते हैं इनकम टैक्स, और टैक्स दोस्ती पे भी आप हमारी वीडियोस देखते हैं तो आपके जहन में भी होता है कि इनकम टैक्स से मुराद है वो जो FBR कलेक्ट करता है, लेकिन बेसिकली वो फेडरल इनकम टैक्स है और वो पूरे मुल्क पे अप्लाई होता है, और वो जिन सोर्सेज ऑफ इनकम पे अप्लाई होता है उस पर हम अक्सर बात करते रहते हैं, जैसे सैलरी इनकम पे अप्लाई होता है। अगर आप सैलरी कमा रहे हैं पाकिस्तान में कहीं भी, तो उस पर जो आप इनकम टैक्स पे करेंगे वो फेडरल इनकम टैक्स होगा। इसी तरह इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स, जैसे पिछले दिनों हमने बिटकॉइन और उसकी एज ए कैपिटल एसेट उसकी टैक्सेशन की हमने बात की थी, और इसी तरह इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो ये पांच हेड्स ऑफ इनकम है। उसके अलावा विदहोल्डिंग भी होती है इनकम टैक्स की, मुख्तलिफ एक्सपेंसेस पे, बिजली के बिलों पे, कैश ट्रांजेक्शंस पे, स्कूल की फीस वगैरह पे। तो उस हवाले से वो सब इनकम टैक्स लॉ है जो टैक्स दोस्ती के और वीडियोस में हम बात करते रहे, लेकिन टैक्स दोस्ती का मकसद है कि आपके जितनी भी टैक्सेशन है, चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स है, चाहे वो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स है जिस तरह हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं, या वो आपकी फेडरल इनकम टैक्स है, सर्विस टैक्स है, सेल्स टैक्स है, तो इन टॉपिक्स पे बात करते रहे, ताकि अगर आप बिजनेस अपना मैनेज कर रहे हैं तो ये मुख्तलिफ टैक्स शायद आप पे अप्लाई होते हों तो आपको पता होना चाहिए। अगर आप कंसल्टेंट हैं, इस फील्ड में हैं, तो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग बेहतर कर सकते हैं। अगर आप इस सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट हैं तो आप ये सब्जेक्ट्स इन वीडियोस के थ्रू सीख सकते हैं। तो हम बात करते हैं कि पंजाब एग्रीकल्चर इनकम टैक्स है, और ये इनकम टैक्स जो लोग एग्रीकल्चर इनकम कमाते हैं, जिसको इस लॉ में डिफाइन किया गया। अगर हम इस लॉ का स्ट्रक्चर देखें तो ये डेफिनेशन है, और उसके अलावा चार्ज ऑफ टैक्स जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स किस पे चार्ज होगा, यानी अगर आपके पास एग्रीकल्चर लैंड है तो आपको एग्रीकल्चर इनकम टैक्स पे करना होगा, या उस लैंड के ऊपर कोई आप कल्टीवेशन करेंगे, कुछ लगाएंगे, कोई क्रॉप उगाएंगे, उसे बेचेंगे, तो तब टैक्स देना। इसके अलावा जो है ये कानून चूंकि प्रोविंशियल यानी पंजाब गवर्नमेंट लगाती है, या पंजाब की जो असेंबली है वो लगाती है, तो उन्होंने पिछले दिनों इसमें ये एडिशन की 3A की, सेक्शन 3A की, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को 2003 से पीछे 2013 से भी पीछे के इनकम टैक्स के नोटिसेस चले गए पंजाब एग्रीकल्चर इनकम टैक्स के तहत, जो फिर लाहौर हाईकोर्ट ने स्टे तो करवा लिया है, लेकिन प्रॉब्लम यह था कि बहुत सारे लोगों ने अपनी एग्रीकल्चर इनकम शो की हुई है अपने एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न में, जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत फाइल की जाती है, और चूंकि अब आपने डिक्लेयर कर दी है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में कि आप 1 लाख कमाते हैं, आप 5 लाख कमाते हैं, आप 10 लाख कमाते हैं या ज्यादा कमाते हैं, तो वहां तो एग्जेम्प्ट शो की है, और एज ए सोर्स आपने जस्टिफाई किया कि फला चीज अगर आपने खरीदी या फला एक्सपेंस किया आपने, तो उसकी ये एग्रीकल्चर इनकम सोर्स बनी, लेकिन वो यहाँ पे टैक्सेबल हो जाती है। इसी तरह जब एक दफा एक किसी भी शख्स की इनकम चार्ज में आ जाए, तो फिर असेसमेंट जो है ना वो की जाती है कि उस पर टैक्स कितना बनता है, यानी कि अगर लैंड होल्डिंग के हिसाब से है तो 12.5 एकर्स तक अगर लैंड होल्डिंग है तो एग्जेम्प्ट है, ठीक है जी, वरना उससे ज्यादा है तो फिर उस पे पर एकर जो है कुछ रेट है, हम रेट से भी देख लेते हैं। उसके अलावा फिर कॉम्पिटिशन का तरीका है। अलाउंस का मतलब होता है कि जब आप कोई इनकम कमाते हैं तो उसमें से क्या चीज़ आप माइनस कर सकते हैं, और यहाँ स्पेशल केसेस हैं कि लाइबिलिटी इन केस ऑफ कोई डिसीज पर्सन हो, लाइबिलिटी इन केस ऑफ कोई एजेंट हो जिसके पास वो लैंड है, उसके अलावा किस किस्म का रिकॉर्ड रखना है अगर टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करते, उसके अलावा रिफंड कैसे मिलेगा, उसके अलावा आपको पेनल्टीज हो सकती हैं वगैरह वगैरह, तो इसको देखते हैं। और स्केड्यूल्स हैं, जो बेसिक बात है वो ये है कि एग्रीकल्चर इनकम प्रोविंसेस इसलिए चार्ज कर सकती हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कहता है कि जो फेडरल लिस्ट है 4th शेड्यूल में, उसमें जो जो चीज़ें जिक्र हैं उसके कानून और टैक्सेस
फेडरल गवर्नमेंट लगा सकती है। फेडरल गवर्नमेंट बैठती है जी इस्लामाबाद में और उसको हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर, और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स होती हैं वो अपने अपने प्रोविंसेस में बैठती हैं और उनको हेड करते हैं चीफ मिनिस्टर। तो उस लिहाज से इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर है और इसी तरह पावर्स डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक दो दफ़ा मैंने जब पूछा बहुत सारे लोगों से कि कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मकसद है, आया कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि हमें एज सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान कैसे अपनी लाइफ गुजारनी चाहिए, मतलब हमारे लिए रूल्स रेगुलेशंस हैं या गवर्नमेंट के लिए रूल्स रेगुलेशंस, तो लोग कंफ्यूज थे। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए बनाया जाता है कि जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है आपके मुल्क की, आपके प्रोविंस की और आपके लोकल एरिया की, उसको बताया जाए कि वो क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती, ताकि बाकी काम लोग अपनी फ्रीडम से गुजारा कर सके। इसकी एग्जाम्पल ये है कि वैसे आपको मुझे रोका नहीं जा सकता था घर में बैठना या सोशल डिस्टेंसिंग करने के लिए, लेकिन पंजाब ने अभी 27 मार्च 2020 को एक लॉ निकाला जो है प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस, जिसके तहत उनको ये राइट मिल गया कि वो आपको रोक भी सकते हैं, आपको घर भी बिठा सकते हैं, स्कूल्स और गैदरिंग्स की जगह बंद भी करवा सकते हैं। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन और लॉज का मकसद होता है कि क्या हो सकता है क्या नहीं पॉसिबल। तो कॉन्स्टिट्यूशन में चूंकि सोशल जस्टिस का जिक्र है, सोशल जस्टिस यही है कि जो लोग लैंड वगैरह और एसेट्स होल्ड करते हैं उनके पास वेल्थ है और उस वेल्थ के ऊपर उनको इनकम मिलती है, जिसको इकोनॉमिक्स में हम रेंट भी कहते हैं, तो वो जो है वो रेंट रीडिस्ट्रीब्यूट हो, सारा का सारा उनसे ना लिया जाए लेकिन कुछ पोर्शन उनसे लेके उन लोगों को दिया जाए जिनके पास एसेट्स या वेल्थ नहीं है। तो ये मकसद है, इसीलिए ये कानून बनाया गया और ये 1 जुलाई 1997 से कानून पाकिस्तान पंजाब में इम्प्लीमेंटेड है। यहाँ पे जो डिफरेंट डेफिनेशंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप टैक्स लॉ के खास तौर पे स्टूडेंट हैं या प्रैक्टिशनर हैं तो याद रखें कि टैक्स का जो सिलसिला शुरू होता है वो डेफिनेशन से शुरू होता है। अगर कोई चीज डेफिनेशन में नहीं है तो फिर जो है क्या कहते हैं उसको टैक्स लॉ में लाना, उस पर टैक्स लगाना, उस पर टैक्स डिडक्ट करना पॉसिबल नहीं है। तो एग्रीकल्चर इनकम देखते हैं जी, एग्रीकल्चर इनकम से क्या मुराद है? वो कहते हैं एनी रेंट और रेवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम लैंड विच इज सिचुएटेड इन पंजाब एंड इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। तो बेसिकली बहुत सारी लैंड है, किसी पे आप कमर्शियल प्लाजा खड़ा कर देते हैं, किसी पे आप पार्किंग लॉट बना लेते हैं, वो कमर्शियल यूजेज हैं, एग्रीकल्चर यूज नहीं है। तो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए अगर कोई लैंड हो, और ऑब्वियसली वहां पानी भी जरूरत होगी और चीजों की भी जरूरत होगी, तो वो जो लैंड है और उससे कोई रेंट या रेवेन्यू आता है, दोनों के टेक्निकल मतलब है लेकिन आप समझ सकते हैं, वहां से कोई बेनिफिट आपको आता है और वो लैंड पंजाब में सिचुएटेड है, तो फिर वो एग्रीकल्चर इनकम है। एनी इनकम डिराइव फ्रॉम सच लैंड बाय एग्रीकल्चर, या तो खुद वहां कुछ क्रॉप वगैरह, यानी एग्रीकल्चर का प्रोसेस क्या होता है, आप कोई कल्टिवेशन करके कुछ उगाते हैं, या द परफॉर्मेंस बाय कल्टिवेटर और रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड एनी प्रोसेस ऑर्डर एम्प्लॉयड बाय, मकसद ये कि या तो एग्रीकल्चर के थ्रू या आपने किसी और को ठेके पे दिया हो, या फिर आपने सेल बाय कल्टीवेटर रिसीवर ऑफ प्रोड्यूस रेज्ड और रिसीव्ड बाय हिम, यानी ये भी एग्रीकल्चर इनकम है कि कोई शख्स अगर आपने एग्रीकल्चर इनकम कम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बनाया है वो किसी और को देते हैं और वो उसको बेचता है तो वो भी एग्रीकल्चर इनकम है। सप्लाई चेन की बात हम प्रीवियस वीडियोज में भी बात करते रहे, खासतौर पर जब सेल्स टैक्स और सर्विस टैक्स की बात करते हैं तो सप्लाई चेन की बात करते हैं, तो एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी भी सप्लाई चेन है। मतलब ये है कि पहले चीज़ें कल्टीवेट होती हैं, उगाई जाती हैं, फिर वो कलेक्ट होती हैं, फिर वो मार्केट्स में आती हैं और फिर आगे वो डिस्ट्रीब्यूट होती है। ठीक है जी, तो एग्रीकल्चर इनकम की ये डेफिनेशन है। उसके अलावा एग्रीकल्चर एनी इनकम डिराइव फ्रॉम एनी बिल्डिंग ओन्ड एंड ऑक्यूपाइड बाय द रिसीवर ऑफ रेंट और रेवेन्यू ऑफ सच लैंड, यानी कि इन शॉर्ट कि एग्रीकल्चर इनकम ये भी है कि अगर साथ में कोई घर, कोई चीज, कोई बिल्डिंग बनी है जो एग्रीकल्चर लैंड के साथ अटैच्ड है, वहां से भी जो इनकम आ रही है वो एग्रीकल्चर इनकम है। उसके अंदर प्लस माइनस हो सकता है कि कौन सी बिल्डिंग, कुछ ऐसे केसेस हो सकते हैं, तो ये यहाँ पे उन्होंने ड्वेलिंग हाउस और स्टोर रूम्स और डिफरेंट चीजों को डिफाइन किया गया ताकि आपको क्लैरिटी हो। एसएससी कौन है? एसएससी यानी जिस पर टैक्स लगना है, मीन्स अ पर्सन बाय हुम एनी टैक्स और एनी अदर सम इज पेबल। एसएससी जो है इस लॉ के तहत जिससे टैक्स रिसीव करना है वो एसएससी है। एक और डेफिनेशन जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ओनर की है। वो कहता है इंक्लूड्स अ मेंबर ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली वेदर ओइंग लैंड इंडिविजुअली और जॉइंट, ठीक है जी, एंड विद एनी अदर पर्सन इंक्लूड मॉर्गेज।
तो यहाँ पर अगर हम चार्जिंग सेक्शन में जाएं तो वो कहता है, जब एग्रीकल्चर टैक्स लगा रहे हैं, डेफिनेशंस को फिर दोबारा भी देखेंगे, 10 मिनट कंप्लीट हो गए, पार्ट वन आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर इनकम टैक्स एक्ट में, और कानून को हम देख रहे हैं, सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट देयर शैल बी लेविड असेस्ड एंड कलेक्टेड ईच ईयर अ टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर इनकम ऑफ अ टैक्स ईयर ऑफ एन ओनर एट द रेट स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल। तो कहने का मतलब यह है कि ओनर का वर्ड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो शख्स ओन करता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टैक्स पे करने की, और कहता है फॉर द पर्पस ऑफ दिस सबसेक्शन द कल्टिवेटेड लैंड ड्यूरिंग अ टैक्स ईयर शैल बी डीम्ड टू बी एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है जी, तो बेसिकली वो कह रहा है कि ओनर जो होगा उसने एग्रीकल्चर इनकम पे करना होगा, ये सबसेक्शन वन है, और उस ओनर को एग्रीकल्चर इनकम, ओनर यहाँ पे उन्होंने डिफाइन किया है कि ओनर इंक्लूड्स, ओनर के और बहुत सारे भी मतलब होते हैं लेकिन इसके अंदर एक स्पेशल कैटेगरी, यानी अगर कोई ज्वाइंट हिंदू फैमिली है विद द ओनिंग लैंड इंडिविजुअली और ज्वाइंटली विद एनी अदर पर्सन एंड इंक्लूड्स मॉर्गेजी इन पोजेशन और टेनेंट ऑफ द गवर्नमेंट लैंड, यानी गवर्नमेंट की कोई लैंड है उसका जो टेनेंट है जो उसको मैनेज कर रहा है वो भी ओनर कंसिडर किया जाएगा। और कहते हैं वेर एंड लैंड इज ओन्ड बाय मोर देन वन पर्सन वेदर एज अ मेंबर ऑफ फर्म और एसोसिएशन एवरी वन ऑफ दोस पर्सन इंडिविजुअली टू द एक्सटेंट ऑफ हिज शेयर इन द सेड लैंड शैल बी डीम्ड टू बी ओनर। और वार्ड का भी उन्होंने जिक्र किया है जो लगा है, और मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी को भी उन्होंने मेंशन किया। तो ओनर को उन्होंने हर सिनेरियो में एक्सप्लेन किया, और मैं इस पे इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि ओनरशिप के हिसाब से ये जो सेक्शन 3(1) है इसके हिसाब से ये जो यहाँ पे कहा गया है कि असेस एंड कलेक्टेड ईच ईयर अ टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर इनकम ऑफ अ टैक्स ईयर ऑफ एन ओनर एट स्पेसिफाइड रेट, तो इसको हम देख भी लेते हैं कि अक्सर पूछा जाता है कि जी रेट्स क्या हैं एग्रीकल्चर के। तो फर्स्ट शेड्यूल में कहा गया है कि अगर आप ये लैंड कल्टिवेटेड स्लैब ऑफ टोटल कल्टिवेटेड लैंड, अगर आप इरिगेटेड लैंड होल्ड करते हैं या अनइरिगेटेड लैंड होल्ड करते हैं, तो इस हिसाब से होगा कि अगर 12.5 एकर्स आप होल्ड करते हैं लैंड तो आप पे नील टैक्स होगा, 12.5 से ज़्यादा होल्ड करते हैं तो 25 एकड़ तक, तो 150 रुपीज़ पर एकड़ जो 12.5 एकड़ से ऊपर लैंड जा रही है उस पर होगा। और अगर आप ऑर्चर्ड्स होल्ड करते हैं, आम के बाग हैं इस तरह हैं, तो इरिगेटेड पे 300 और अनइरिगेटेड पे 1। तो ये जो टैक्स लग रहा है ये लैंड होल्डिंग के हिसाब से लग रहा है, यानी जो लैंड होल्ड कर रहा है उस शख्स के हिसाब से ये टैक्स आपने पे करना है, और जो अनइरिगेटेड लैंड है उसको आपने इस तरह काउंट करना है कि 2 एकर्स ऑफ अनइरिगेटेड लैंड जो है वो 1 एकड़ के बराबर होगा। तो ये जो टेबल दिया हो गया है ये सिर्फ दिया गया है आपके उसके लिए, यानी कि इरिगेटेड लैंड का। तो अनइरिगेटेड लैंड को आप कन्वर्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल आपके पास 30 एकर्स ऑफ अनइरिगेटेड लैंड है उसको आप कन्वर्ट करेंगे तो वो 15 एकर्स बन जाएगा ऑफ इरिगेटेड लैंड। फिर आप 12.5 से ऊपर जो है 15 एकर्स का जो है यानी कि 2.5 एकर्स पर को मल्टीप्लाई करेंगे 150 से और आपका टैक्स आ जाएगा। तो ये लैंड होल्डिंग के हिसाब से, फिर एग्रीकल्चर इनकम के हिसाब से ये है। लास्ट बात ये करूँगा कि इस पार्ट वन के लिए कि बेसिकली ये रेट्स जो हैं वो एकदम से टैक्स रेट्स बहुत बढ़ा दिए गए थे जब बजट आया, जैसे हर साल ये जो कानून है ये जून 1997 में पेश किया गया था और लॉ बना 1 जुलाई 1997 से, तो टैक्स ईयर 1998 से ये एप्लीकेबल था एग्रीकल्चर इनकम के हवाले से। तो फिर हर साल जब पंजाब का बजट आता है जैसे फेडरल बजट होता है तो उसमें रेट्स बढ़ाए जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा रेट्स बढ़ा दिए गए थे, अब उन रेट्स को फिर पिछले साल के बजट में जून में कम कर दिया गया है, तो उस पर भी हम बात करेंगे। बेसिकली हम बात कर रहे हैं कि जब आप पंजाब में लैंड होल्ड करेंगे और एग्रीकल्चर इनकम जो इस तरह इस नेचर में होगी, उन्होंने उसकी सारी टाइप्स बता दी हैं, इस तरीके से कमाएंगे और आप ओन करेंगे, तो वह बाकी डेफिनेशंस पे भी इंशाल्लाह बात करेंगे। मैं हूँ आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट एंथनी विलियम्स, और आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती रिपोर्टिंग वीडियोस जिनका स्कोप आपने देखा हमने बढ़ा दिया, ताकि हमारी अब हम दो किस्म के लोगों को हेल्प करें, एक वो जो प्रोफेशनल्स हैं
जो ऑनलाइन काम करते हैं वो अपने काम को मजीद बढ़ाएं, और जो बिजनेसेस हैं वो इस प्रॉब्लम के बाद बेहतर होके आ रहे हैं, दोबारा से बिजनेस स्टार्ट।